नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। एक सवाल आ रहा था कि अगर मेथी के लिए क्या हम जो बड़े पौधे हैं उनकी मिट्टी में क्या हम मेथी को बो सकते हैं, तो मैं आज बिल्कुल बो सकते हैं। देखिए, मैंने ये अपना चीकू का एक प्लांट जो 15 इंची गमले में लगा था और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, मगर उसकी रूट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब वो उसके अंदर पानी भी हम देते थे तो प्रवेश नहीं कर रहा था। तो देखिए, मैंने 200 लीटर का हाफ कटा हुआ ड्रम 200 लीटर का हाफ कटा हुआ ड्रम लिया और उसी के अंदर ये मैंने अपना चीकू का पौधा, जरा इसका स्टेम्प देखिए कितना हैवी है और यहाँ पे ये ग्राफ्ट लगा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे ग्राफ्ट लगा हुआ है और यहाँ से ये दूसरा पौधा है। ग्राफ्ट जो लगाया जाता है वो दूसरे पौधे में फल देने वाले डाली को ही लगाया जाता है, इसे कहते हैं ग्राफ्टेड पौधा। और जो एयर लेयरिंग से पौधा तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं घुट्टी बांधना। जैसे ये पौधा फल दे रहा है तो उसकी इस तरह की, ये जो इस तरह की डाल है इसको छील कर और इसमें माउस ग्रास को बांध कर, बहुत सी स्टिक के अंदर जो ग्रास होती है उसको बांध कर पन्नी से बांध दिया जाता है, तो 2 महीने के अंदर इसमें जड़ फूट जाती है और उसी से ये कलम तैयार हो जाती है, उसी को लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं तो इस तरह से दो तरह से, एयर लेयरिंग से और एक ग्राफ्टेड पौधा। एयर लेयरिंग से हो गया और एक ग्राफ्टेड, दो तरह के पौधे आप अगर लेके आएंगे तो आपके ही पौधे खूब फल फूल और सब्जियां देंगे। सब्जी वाले भी पौधे में ग्राफ्टेड होता है, टमाटर के पौधे में, बैंगन के पौधे में, इनमें ग्राफ्ट किया जाता है, मगर वो बहुत लंबी जो सब्जी खेती करते हैं वो लोग, मैंने देखा है कि नीचे बैंगन का तना होता है और ऊपर ग्राफ्ट उसमें टमाटर की कर देते हैं, तो वो जंगली बैंगन के में टमाटर की ग्राफ्ट कर देते हैं तो वो बहुत समय, लंबे समय तक टमाटर देता रहता है। खैर, मैं विषय से हट रहा हूँ, अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। जो सवाल था कि मेथी को, अब मैं आज इस देखिए टब के अंदर जब इतनी जगह है चारों तरफ तो ये जगह तो ऐसा ही पड़ी रहेगी ना, और मेथी की जड़ ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए मैं देखिए इस तरह से इसके अंदर गुड़ाई करके आपको मेथी बो कर दिखाता हूँ। अब सर्दी का सीजन है और बहुत अच्छी मेथी इसके अंदर उगाएगी। अब ये ड्रम तो बहुत गहरा है, इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए। आपके भी जो बड़े पॉट हैं जिनमें आपको लगता है कि इसमें हम कोई मेथी है, धनिया है, पालक है, इस तरह की जो सब्जियां हैं जो थोड़े दिन में हार्वेस्ट हो जाएंगी और इस पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो देख लीजिए इस तरह से गुड़ाई कर लिया। और गुड़ाई करने के बाद में मैं देखिए मेथी को लिया और थोड़ा घनी नहीं बोना है, ये ध्यान रखें। इस तरह से मेथी के दाने लिए और इस तरह से देखिए आप थोड़ा थोड़ा घनी ना करिए इसको, जितना ये दूर दूर रहेगी उतना अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत घनी हो जाने पर मेथी अच्छी नहीं होती, या धनिया ही आप बहुत घनी कर देंगे तो अच्छी नहीं होगी। देखिए इतना मैंने डाल दिया। अब मैं अपने और भी जो पॉट हैं जो बड़े हैं जिनमें बड़े गमले बड़े पौधे लगे हुए हैं उन पर मैं ये मेथी बो दूंगा। ये देखिए मैंने इतनी बचा ली, इतनी बोई है, देखिए कितनी मैंने घनी नहीं की। अब इसके ऊपर से मिट्टी को ऐसे चढ़ा देना, इस तरह से मिट्टी को चढ़ा देना कि बीज ना दिखे, क्योंकि बहुत गहरे मैंने नहीं बोया इसको, ऐसे देख लीजिए। और इसके अंदर नमी बनाकर रखना है, ये देखिए मैंने इस तरह से देखिए आपको मेथी लगाकर, पौधे के लिए अलग से मेथी के लिए अलग से मैंने कोई गमला नहीं लिया और इसी बड़े पौधों में के नीचे जो जगह पड़ी हुई है उसी में मैंने मेथी को बो के आपको दिखाया। उस तरह से देखिए मैंने बराबर भी कर दिया, जो दाने दिख रहे हैं उनके ऊपर मिट्टी को आप चढ़ा दीजिए और मेथी बहुत जल्दी ही निकल आती है। देखिए इस तरह से
बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद में इसको पानी दे दीजिए। दाना एक्चुअली में नीचे चला जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर दाना ऊपर ऊपर रह गया तो मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि चिड़िया दाना चुग ले जाएगी। आप सोचेंगे, हाँ एक सवाल और आ रहा था, मैं दूसरे वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा कि मेरे बीज उग नहीं रहे। तो मैं अभी आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आपके बीज क्यों नहीं उगते। ये देखिए, करने के बाद में इसमें इस तरह से पानी दे देना है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आप पानी दे दीजिए। मेथी बोने के बाद आप पानी जरूर दे दीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सवाल समय समय पर मेरे से पूछते रहें। आपको किसी तरह की अगर गार्डनिंग करने में असुविधा हो रही है तो प्रश्न करते रहिए। मैं आप लोगों को जैसे सबको जवाब देता हूँ, सबको जवाब मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।